एसडीएमपीजी कॉलेज डोईवाला में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में भारी उत्साह है। बता दें कि कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, लेकिन छात्र सत्र शुरू होते ही चुनाव की मांग कर रहे थे, जिसके बाद श्री देव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखंड के सभी डिग्री कॉलेजों में चुनाव की अधिसूचना जारी की गई तो कॉलेज प्रशासन भी पूरी तरह चुनाव तैयारियों में जुट गया। वहीं चुनाव को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई और एबीवीपी भी पूरी तरह सक्रिय हो गया और आज हो रहे मतदान में 5 पदों के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है और सभी प्रत्याशी अपने पक्षों में मतदान के लिए छात्रों को प्रेरित कर रहे हैं। इसके साथ अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। वहीं कॉलेज के प्रोफेसर नूर हसन ने बताया कि आज मतदान प्रक्रिया प्रातः 9 बजे से शुरू हुई, जो कि 2 बजे तक संपन्न हो गई। उसके बाद आज ही नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया सही तरह से संपन्न की जा सके, इसके लिए कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है। वैसे भी यहाँ 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, जैसे लॉकडाउन भी लगा हुआ था, उनमें बच्चों को ना काफ़ी तकलीफ भी हुई है और जो अब की बार खड़े हुए हैं उन्होंने काफ़ी सारी हेल्प भी की है बच्चों की, तो हम सोच रहे हैं अच्छे वो आए, डिप्लोमा भी और अच्छा हो। तो अभी बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, अभी हमें इतना कुछ पता नहीं है कॉलेज में, तो बस ये चाहते हैं कि आगे भी अच्छा ही हो, डेवलप हो कॉलेज में भी, कुछ भी छात्राओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सब कुछ। हो गई है 9 बजे तक 1.4% वोट हुआ है, अब धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ रही है तो 1 बजे तक वोटिंग होगा, 2 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जब तक मतगणना पूरी होगी उसके साथ ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, काफ़ी पुलिस यहाँ पर लगी हुई है और बाकी कॉलेज की तरफ से भी पूरी तैयारियाँ हैं।